कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम सीखेंगे इमेज टैग के बारे में। ये है इमेज टैग कि हम कोई भी जो वेबसाइट हम देखते हैं, जब भी हम उसको एक्सेस करते हैं, तो आपने देखा होगा वेबसाइट में ऑब्वियसली फ़ोटो होती है, ठीक ना। बिना कुछ भी आप चला लो, उसके अंदर फ़ोटो होती है। फ़ोटो जैसे ये फ़ोटो दिख रही है, या आप किसी भी पेज में जाओगे उसमें फ़ोटो दिखती है आपको, ये इमेज दिखता है आपको। तो ये इमेज कैसे दिखता है? और जैसे मान लो मैं न्यूज़ की वेबसाइट देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, तो मुझे कई मामलों में इमेज भी आई थिंक मुझे चाहिए होगी, तो मैं इमेज भी देख सकता हूँ। तो मतलब आप मेरा मतलब जैसे ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। एक तो और ज़्यादा चीज़ें अपियरेंस में बढ़िया और अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक हो जाता है, क्लियर रूप से समझ में आता है। तो इसका इमेज टैग का सबसे पहले जो सिंटेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमेज टैग का इस तरीके से सिंटेक्स होता है, और यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज, मतलब वही है इसका। जो आपके पेज में ऐड कैसे ऐड इमेज कैसे ऐड करना उसके लिए, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। मतलब मैंने लगाया IMGSRC ये, और इस पे मैं फ़ोटो लगा सकता हूँ इमेज। अच्छा, इमेज आप लगा सकते हैं मान लो दो तरीके से। मतलब आपकी कोई वेबसाइट है, और एक तो है कि आपकी कंप्यूटर में कोई पहले से फ़ोटो पड़ी है, आप वो लगा सकते हो। आपकी कोई वेबसाइट है मान लो, और आपने कुछ फ़ोटो बनाई है, या आपने कोई फ़ोटो आपकी खुद की फ़ोटो है, तो आप उसको लगा सकते हो, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिलेटिव इमेज आप कह सकते हो, ठीक है। या उसका लिंक दे सकते हो, रिलेटिव लिंक आप कह सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट से कोई फ़ोटो लेनी है, मतलब मान लो कोई आपके वेबसाइट में आके आपके वेबसाइट को देख रहा है, और किसी इमेज को उसे देखना है, या उस इमेज के थ्रू किसी और सर्कल में भी जाना है, ये गो थ्रू करना है, तो आप किसी भी वेबसाइट का इमेज उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। किसी भी वेबसाइट में जो भी इमेज पड़ी है उसका लिंक उठा के आप इसमें डाल सकते हो, उसे कहते हैं एक्चुअल लिंक। तो पहले मैं आपको एक्चुअल लिंक के बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यही चला जाता हूँ, फेसबुक ही है, चलो फेसबुक ठीक है। मान लो फेसबुक में इमेज में गया, मुझे कोई एक फ़ोटो चाहिए, मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ोटो चाहिए, तो मैं इसका लिंक कैसे लूँगा? राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी लिंक में इसे ऐड करूँगा, और यहाँ पे इस लिंक को बीच में डाल के सेव कर दूँगा, ठीक है। सेव कर दूँगा, ये मैंने इसे क्लोज कर दिया। आप यहाँ लिख सकते हो, मान लो किसी को बताना भी हो कि ये फेसबुक का लिंक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी ये फेसबुक की फ़ोटो आ गई है। थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इसको ठीक ठाक साइज़ में करते हैं। मैंने 250 कर दिया हाइट लगा के, अभी भी मेरे को बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, 150 प्लस, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इन सब चीज़ों को इसमें कमेंट आउट कर देता हूँ, ले लीजिए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था ये, कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच आपका मेरे चैनल पर।